हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सीए के आंचल में खिले ममता के दो फूल, जिनकी मधुर सुगंध से गई सब मैं महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न भगवान वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण मस्तु। कुमार शत्रुघ्न, आसन ग्रहण करो। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? आपकी दया से कौशल्य राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल है। पूज्यवर, मैं महाराज श्री रामचंद्र की आज्ञा से आपका आशीर्वाद पाने आया हूं। महर्षि चवन बहुत से ऋषि मुनियों को लेकर महाराज राम के पास अपनी रक्षार्थ सहायता मांगने गए थे। मथुरा का राजा लवण नाम का एक नरभक्षी असुर है जो ऋषि मुनियों को खा जाता है और कई प्रकार के कष्ट देता है। महाराज ने उन्हें अभयदान देकर मुझे लवणासुर का संहार करने के लिए भेजा है। उनकी आज्ञा थी कि मार्ग में आपका आश्रम आता है, सो आपका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे जाऊं। हम महाराज राम के इस निर्णय से अति प्रसन्न हुए। सूर्यवंशियों ने सदा ऋषि मुनियों और महात्माओं की रक्षा का शुभ कार्य किया है। हमारा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें अपने वंश की परंपरा निभाने की शक्ति दें और सफलता प्रदान करें। गुरुदेव, 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 वनदेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। गुरुदेव, गुरुदेव, वनदेवी ने दो पुत्रों का जन्म दिया है। कुमार, हमारे मन में आपके लिए एक अद्भुत संकल्प आ रहा है। आज्ञा करें गुरुदेव। ये बालक सूर्यवंशी हैं, उस नाते आप इन बालकों के चाचा भी लगते हैं। इनके पिता इस समय यहां नहीं हैं, सो यदि आप मेरे साथ चलकर उन बालकों को आशीर्वाद दें तो उचित ही है। आपकी आज्ञा से ऐसा शुभ कार्य करना मेरा अहोभाग्य है। अहोभाग्य तो उन बालकों का भी है जिनका चाचा आज अयोध्या का राजकुमार है और कल मथुरा का राजा होगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आइए। भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए, लो जातक संस्कार को अपने स्वयं ही चल कर आए। सूर्यवंशियों के स्वागत में सूर्य ध्वजा लहरा,
गौतमी माँ, इन दोनों में सबसे पहले जन्म किसका हुआ? प्रभु, यही अग्रज है। कुशा के अग्रभाग को कुश और निम्न भाग को लव कहते हैं। कुमार शत्रुघ्न, आप इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने कुश द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम कुश होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने लव द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम लव होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब चाचा होने के नाते इन दोनों को आशीर्वाद भी दीजिए। सूर्यवंश में जन्म लिया है, भगवान तुम्हें अपने वंश की कीर्ति को और उज्ज्वल करने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे पास इस समय देने के लिए यही भेंट है, इसे स्वीकार करें।
अपने पिताश्री को नमस्कार कर। तू भी कर। स्वामी अपने पुत्र का नमन स्वीकार करें। जा रहे हो? छोटे भैया को भी साथ ले जा। देख, छोटा भैया तेरा खिलौना मांग रहा है, उसे दे दो। आओ दोनों मेरे पास आ जाओ।
चलो चलो अम्मा की सहायता करो, उखल में थान डालो। हाँ ऐसे, इस प्रकार उखल में थान कूटेंगे, फिर चावल निकलेंगे, खीर बनाएंगे, लवकुश दोनों खीर खाएंगे, खीर खाएंगे ना। हाँ अरे अरे इतना नहीं, फिर माँ कैसे कूटेगी। हाँ बस थोड़ा थोड़ा। हाँ छोटे छोटे हाथ है ना तुम्हारे, फिर तुम कैसे करोगे। हाँ बस अब बहुत हो गया, चलो अब तुम लोग जाओ। अरे कहा ना मैंने, अब जाओ बेटा जाओ, हाथी के साथ जाकर खेलो। अरे वो देखो तुम्हारे मित्र तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ। अरे कुश तू भी कच्चे चावल खाएगा तो फिर लव क्या करेगा, तू तो सियाना बेटा है ना। ऐसा नहीं था, अब जाओ बेटा जाओ, हाथी के साथ जाकर खेलो। आजा बेटा आजा। हाँ अरे 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 आजा। हाँ अरे लव जीत गया। ओहो मेरा कुछ गिर गया। आजा आजा बेटा, रोते नहीं लव, जाकर भैया को उठाओ, देखो वो रो रहा है। अमृत है वात्सल्य भरे अनुराग में, भाग से ममता का सुख आता भाग में, जीवन में रंग भरते अंधियारे सदा, सोना कुंदन होता तप कर आग में, लालन पालन में, लालन पालन में सिया के दिन रात निकलते हैं। महलों के अधिकारी वन में पलते हैं, हाथी घोड़ा छोड़ो, देखो मैंने क्या बनाया। धनुषबाण आजा आजा जल्दी आजा आजा। अब देखो धनुषबाण कैसे चलाते हैं। देखो मैं तुमको दिखाती, ये कुश, धनुष सीधा पकड़ो, पहले बाण को निशाने की सीध पर रखो और डोरी अपने कान तक खींच कर रखो। ऐसे? हाँ, फिर अपनी दृष्टि निशाने पर स्थिर करो, जहां बाण लगेगा उस स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करो।
लव, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, उस बांस से लटका हुआ आम। तुम अपने बांस से किसका निशाना कर रहे हो, बांस का या आम का? आम का गुरुदेव, मैं उस धागे का निशाना करूंगा जिसके साथ आम लटका हुआ है। उसे काटने से आम नीचे गिरेगा। अति सुंदर, तुम सचमुच धनुर्धारी हो। अगर धागा काटना है तो तुम्हें ना बांस दिखना चाहिए ना आम दिखाई देना चाहिए, तुम्हें केवल धागा ही दिखाई देना चाहिए। अच्छा गुरुदेव। अब अपने अपने आम के धागों पर अपनी दृष्टि केंद्रित करो, और जब तुम्हें कुछ ना दिखाई दे, केवल धागा ही दिखाई दे, तभी अपने अपने बाण छोड़ना। अति सुंदर, अति सुंदर। अब इसका निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास करने से गति आएगी। यदि निशाना साधने में हर बार इतना ही समय लगेगा तो युद्ध में कैसे काम चलेगा? इसके लिए निरंतर और कठिन अभ्यास की आवश्यकता है, तभी एक के पीछे एक बाण छोड़ने की गति तीव्र होगी। गुरुदेव, कितनी तीव्र गति होनी चाहिए गुरुदेव? तुम्हारी अवस्था में यदि वायु जितनी तीव्र गति हो जाए तो अच्छा है। वायु जितनी? हाँ। वायु से भी अधिक तीव्र गति किसी की होती है? होती है। ध्वनि की, प्रकाश की, मन की। मन से भी अधिक तीव्र गति किसकी होती है? वो सब समय आने पर मैं तुम्हें समझा दूंगा, परंतु अभी वायु जितनी तीव्र गति तो प्राप्त कर लो। हाँ, वायु जितनी तीव्र गति? हाँ माता जी, इतना अभ्यास होने के पश्चात तो गुरुजी और भी तीव्र गति बताएंगे। और भी तीव्र? हाँ, गुरुदेव कहते हैं ध्वनि की गति वायु से भी तीव्र होती है, फिर प्रकाश की गति तो उससे भी तीव्र होती है। उससे भी तीव्र होती है मन की गति? उससे भी तीव्र होती है। मन से तीव्र गति तो किसी की होती ही नहीं, गुरुजी ने बताया ही नहीं। माता जी, मन से तीव्र गति तो किसी की नहीं होती ना? होती है। किसकी? भगवान की। हाँ, भगवान की। देखा, भगवान की गति तो सबसे तीव्र होगी ना? हाँ। आप भगवान को जानती हैं क्या? आपको कैसे पता है? मुझे तो गुरुदेव ने बताया। हाँ, गुरुदेव ने बताया होगा, वो भगवान को जानते हैं। वो कहते हैं आजकल भगवान धरती पर आए हुए हैं। अच्छा। हाँ माता जी, अयोध्या में श्री राम है ना? गुरुदेव कहते हैं वो भगवान का अवतार है। गुरुजी कहते हैं उन्होंने भगवान की कथा लिखी है, रामायण। और जब बड़े होंगे तो हमको संगीत के साथ पढ़ाएंगे। माता जी, क्या भगवान जी अयोध्या में रहते हैं? हाँ, ये सत्य है। आप उन्हें जानती हैं? उन्हें तो सारा संसार जानता है। तब तो भगवान भी सारे संसार को जानते होंगे। हाँ। तब तो वो आपको जानते होंगे। अवश्य जानते होंगे। हमें भी। समस्त प्राणियों में जब उन्हीं का वास है तो वो तो सभी के अंतर में वास करते हैं। मेरे अंदर भी वास करते हैं। हाँ। तब तो मैं भी भगवान हूँ। कुछ भैया, मैं भगवान हूँ। परंतु कुश भैया के अंतर में भी उन्हीं का वास है, सो कुश भैया भी भगवान का रूप है। माताजी, फिर दोनों में से बड़ा भगवान कौन है? बड़े भैया का बड़ा भगवान और छोटे भैया का छोटा भगवान। तो सदा मुझे ही प्रणाम करना पड़ेगा। अभी सारा तर्क छोड़ो, मैं वन से लकड़ियां लाती हूँ, इतने में आप लोग थोड़ा व्यायाम करो और धनुष बाण का अभ्यास करो। हाँ
आज मैं भी वन में लकड़ियाँ लेने जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। अच्छा चलो, अपनी अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और चलो मेरे साथ। करते बेटे, पेड़ को नहीं काटते बेटा। आप भी तो काट रहे हैं। हम ईंधन और गुरुदेव के अग्निहोत्र के लिए वन से सूखी लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं। हरे भरे और स्वस्थ पेड़ को कभी नहीं काटते। क्यों माताजी? देखो इनको कितना घाव लगा दिया। अब तुम्हारे अंग पे कोई शस्त्र से प्रहार करेगा तो तुम्हें पीड़ा होगी ना? हाँ होगी। इसी प्रकार इन्हें भी पीड़ा होती है। इनके अंदर भी क्या जीवन होता है? अवश्य होता है। अब ये देखो, हमारे शरीर पे घाव लगने से रक्त निकलता है, इसी प्रकार इनके शरीर में से रस निकलता है। अब इन्हें तुमने अकारण ही घाव लगा दिया है, अब इनसे क्षमा मांगो। इन्हें कहो, वृक्ष भैया हमसे अनजाने में ही भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दो। वृक्ष को भैया कहूँ? हम सब धरती माता की संतान हैं, इसी प्रकार वृक्ष भी धरती की संतान है, इसलिए वृक्ष को बड़ा भैया समझना चाहिए। हाँ हाँ। वृक्ष एक जड़ जीव है जो चल नहीं सकता, परंतु धूप में सब जीवों को छाया देता है। जब इन पर फल लगते हैं तो वह स्वयं नहीं खाता, दूसरे को खाने को देता है। हाँ हाँ। ये वायु को शुद्ध करता है, पक्षियों और सर्प आदि को रहने का स्थान देता है, वो मनुष्य और दूसरे कई ऐसे जीवों का मित्र है, इसलिए वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। वृक्ष जी नमस्कार। क्षमा तो मांगी नहीं, वो नमस्कार नहीं स्वीकार करेंगे। वृक्ष भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। माताजी देखो देखो, हाथ हिला हिला के कुछ कह रहा है। वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। आ जाओ लवकुश। अच्छा, पहले नदी में जाके स्नान करना, फिर संध्या वंदना करना, अंत में गुरुजनों को प्रणाम करना। तब तक मैं तुम लोगों की रसोई बनाती हूँ। अच्छा माताजी। Thank you.
श्रीधर जी। गुरुदेव, बालक इन दिनों नदी किनारे वाले वृक्ष के नीचे संध्या वंदन करने लगे हैं। उस वृक्ष में जो नागराज रहते हैं उन्हें जाकर कहो कि उस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम नागराज। नागराज, गुरुदेव का आदेश है कि अब आप इस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। गुरुदेव के मन में शंका है कि इन दिनों दोनों बालक प्रायः यहां आते हैं, कभी आपको देखकर कहीं डर ना जाए। नहीं मनीषेष्ठ, हम कभी नहीं डरेंगे। हमारे लिए नागराज को स्थान छोड़ने का कष्ट ना दे। मुनिराज, हमारी माताजी ने कहा है कि दूसरे प्राणी से ना तो डरना चाहिए और ना डराना चाहिए। जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो सब हमसे प्रेम करेंगे। नागराज, आप स्थान छोड़कर मत जाइए। हमारी माताजी कहती है कि हम सब धरती माता के संतान हैं। हम सबको यहाँ प्रेम से रहना है, इसीलिए आप यहीं रहिए। परंतु गुरुदेव का आदेश। हम अभी गुरुदेव से दूसरा आदेश लेकर आते हैं। आप चिंता ना करें, हम अभी आते हैं। अति सुंदर बात कही तुम दोनों ने। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वो दिव्य है। धन्य है तुम्हारी माता। मुनि श्रीधर से जाकर कह दो कि हमने अपना आदेश वापस ले लिया है। जो आज्ञा गुरुदेव। बलवीर बनो, नित नियमित विद्याभ्यास
बलवीर बनो युगवीर बनो तुम नियमित विद्याभ्यास करो। माताजी, गुरुदेव ने कहा है कि वो हमारा उपनयन संस्कार करेंगे। अच्छा, उपनयन संस्कार? हाँ पुत्री, अब वो समय आ गया है। अब लव और कुश का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। तुमने इन्हें हमें शिष्य रूप में समर्पण किया है, हमने इनका गुरुपद स्वीकार कर लिया है, अतः अब इनकी शिक्षा का उत्तरदायित्व हम पर है। उपनयन संस्कार के पश्चात हम विधि पूर्वक इनकी शिक्षा आरंभ करना चाहते हैं, तुम उसकी तैयारी करो। जो आज्ञा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ शांति शांति शांति। ॐ परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकारार्थमिदं शरीरम्। परोपकारार्थमिदं शरीरम्। शस्त्र में गुरु दोनों को निपुण बनाते हैं। लव कुश के घट ज्ञानामृत से भरते जाते हैं।
प्रसंग सिय व्याही करि शिव धनु भंग। अति सुंदर, अति सुंदर। यह कथा यही समाप्त हो जाती है गुरुदेव? नहीं, अभी यह कथा समाप्त नहीं हुई। तो इसके आगे की कथा आपने लिखी नहीं? लिखी है। वे सिखाएंगे? नहीं। क्यों गुरुदेव? अभी उसे सुनाने का समय नहीं आया, परंतु बहुत शीघ्र ही वो समय आने वाला है, तब मैं कथा का शेष भाग भी तुम्हें सिखा दूंगा। गुरुदेव, जिन श्री राम को आप स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, क्या यह उन्हीं की कथा है? हाँ वत्स, यह उन्हीं की नरलीला की कथा है। जब उन्हें सीता माता की पवित्रता पर स्वयं विश्वास था, तो फिर उन्होंने लोगों के कहने से सीता का त्याग स्वीकार क्यों कर लिया? उस समय तो अपनी पत्नी का साथ देना उनका धर्म था। परंतु देवी सीता का भी ऐसा ही मत था। तो क्या हुआ? पत्नी यदि कोई अनुचित बात करने को कहे, तो क्या पति को उसे मान लेना चाहिए? मेरे मत में तो सीता माता का त्याग सर्वथा अनुचित था। उचित और अनुचित का निर्णय तो इतिहास करेगा, परंतु महाराज राम ने जो किया वो राजधर्म के अनुसार ही किया।
राजा धर्म के नाम पर इतना बड़ा अन्याय कर सकता है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे किस पर इतना बिगड़ रहे हो, कौन से राजा ने इतना बड़ा अन्याय किया है? राजा राम ने। तुम लोग महाराज श्री राम की बात कर रहे हो? हाँ माता जी, आज गुरुदेव ने श्री राम के द्वारा हमें सीता माता के त्याग की कथा सुनाई, तब से भैया का क्रोध शांति नहीं हो रहा। कुश पुत्र, श्री राम हमारे राजा हैं, उन पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं। परंतु राजा इतना बड़ा अन्याय करे, इसे सहना भी उचित नहीं। उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वे स्वयं भी पवित्र मानते थे, केवल कुछ लोगों के कहने से घर से निकाल देना, यह सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य था। साधारण मानव भी यही कहेगा। हाँ, साधारण मानव का यही निर्णय हो सकता है, परंतु श्री राम साधारण मानव नहीं है। उन्होंने इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की अति कठिन भूमिका निभानी है। उनके लिए एक आदर्श राजा का धर्म एक पति के धर्म से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा का प्रत्येक कर्म सारी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्होंने वही किया जो एक आदर्श राजा को करना चाहिए। परंतु राजा का निजी धर्म क्या कुछ भी नहीं होता? बेचारी पत्नी को वन के कांटों में भेजकर स्वयं राजमहलों का ऐश्वर्य भोगना, ये कहाँ का न्याय है? ये तुमसे किसने कह दिया कि वो स्वयं राजमहलों के ऐश्वर्य में खोए हुए थे? उन्होंने तो अपने जीवन के समस्त सुखों को भी सीता के साथ ही वनवास दे दिया। क्या गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि वह राजमहल में भी एक सन्यासी की भांति रहते हैं? नहीं, गुरुदेव ने तो सीता माता के त्याग के पश्चात कथा सुना ही नहीं, कहते समय आने पर बताएंगे। आपको शायद आगे की कथा का ज्ञान है, बताइए ना माता जी आगे क्या हुआ? मुझे भी गुरुदेव ने यहीं तक कथा सुनाई थी। फिर आप ये कैसे जानती हैं कि महाराज श्री राम अपने राजमहल में कैसे रहते हैं? वो राजा है, आदर्श राजा का जीवन तो प्रजा के सामने खुली पुस्तक की भांति रहता है, इसलिए ये बातें सारी प्रजा जानती है। मैं भी उनकी प्रजा हूँ, इसलिए मैं भी जानती हूँ। फिर माता जी, सीता माता का क्या हुआ, वह कहाँ गई, आपको पता है? वो तो गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि समय आने पर बताएंगे। ठीक ही कहते हैं, समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। कुछ भी हो, मैं इस अन्याय के साथ कदापि सहमत नहीं हो सकता। यदि किसी दिन मुझे महाराज श्री राम मिल गए तो मैं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछूंगा कि आपने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से क्यों निकाला। हाँ, मैं भी यही प्रश्न पूछूंगा महाराज से। परंतु भैया, हमारी भेंट महाराज से होगी कि वो तो राजा है, हम वनवासी, कौन जाने किसी दिन अवसर निकल आए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी न किसी दिन हमारी भेंट महाराज श्री राम से अवश्य होगी। अब मैं तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा जो इस समय संसार में और किसी के पास नहीं है। ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले शक्तिमान और परम उदार हैं। मंत्र द्वारा आवाहन करने पर
वो बाण के फलक पर स्थित होकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं। इन अस्त्रों के द्वारा तुम देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि समस्त जीवों पर विजय पा सकोगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें इनके आवाहन और विसर्जन आदि के मंत्र प्रदान करूं, तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। इन अस्त्रों का प्रयोग तुम अहंकारवश केवल अपने बल प्रदर्शन के लिए नहीं करोगे। जिसने तुमसे शत्रुता नहीं की, उस पर प्रहार नहीं करोगे। यदि किसी आततायी को किसी निस्सहाय और निर्दोष पर अत्याचार करते देखोगे तो वहां से भागोगे नहीं, बल्कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस आतताई का अंत अवश्य कर दोगे। जो वीर अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देखकर अथवा आतताई से डर के मुंह मोड़ लेता है, उसके अस्त्र तेजहीन और निष्प्राण हो जाते हैं। अंतिम प्रतिज्ञा। जो अपने समूह से बिछड़कर अकेला और निस्सहाय हो, जिसके वंश में आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जिसका पिता ना हो और ना पुत्र हो, वीर पुरुष ऐसे प्राणी का वध नहीं करते, क्योंकि ये पाप है। तुम दोनों इस बात की प्रतिज्ञा लो। समस्त देव अपनी अपनी दिव्य शक्तियां, मंत्र और ज्ञान सहित मुझे मेरे शिष्यों लव और कुश के लिए प्रदान करें। ये समस्त शक्तियां इनके अधीन रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर इनके मानसिक संकल्प के अनुसार प्रकट होकर इनकी सहायता करेंगी। कल्याण हो पुत्री। मेरे पास जो कुछ था वो आज मैंने तुम्हारे पुत्रों को दे दिया है। सारी शक्तियां, सारे अस्त्र, सारी विद्याएं, क्योंकि अब वो समय बहुत निकट आ गया है जब उन्हें अपनी माता के साथ किए गए अन्याय का उत्तर अयोध्या वालों से मांगना होगा। अयोध्या वालों से? हाँ, अब सारी शंकाओं के मिटने की घड़ी आ रही है। उसी के लिए मैंने इन्हें शस्त्र कला और संगीत दोनों में प्रवीण कर दिया है। इन्हें दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इधर जिस महाव्रत का अनुष्ठान मैं तुमसे करवा रहा हूं वो भी वृथा नहीं जाएगा।
अति शीघ्र तुम्हें पति के दर्शन होंगे तथा पिता को पुत्रों की और पुत्रों को पिता की प्राप्ति होगी। इस व्रत की पूजा वहां होगी जहां दो नदियों का मिलन होता है, सो मुझे उन दो नदियों के संगम पर ही तुम्हारी व्रत पूजा करानी होगी। इसलिए यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम माता जी। क्या बात है माता जी? आज हमें गुरुदेव ने ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं कि संसार में कोई वीर अब हमसे टक्कर नहीं ले सकेगा। अच्छा माता जी, हमारी विद्या सफल हो और युद्ध में हमारे लिए विजय का रेने सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। भगवान तुम्हें सर्वदा शक्ति और सफलता दे, जिससे तुम अपने कुल की कीर्ति बढ़ाओ और तुम्हारे पूर्वज तुम पर गर्व कर सके। उठो पुत्र, भगवान को प्रणाम करो। जी, गुरुदेव ने कहा है कि वो आपको लेकर दो नदियों के संगम पर एक महापूजा करने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने हमें बहुत से कमल के पुष्प लाने को कहा है। हाँ, मैंने एक दीर्घ तपस्या व्रत का अनुष्ठान धारण किया है। उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कई सहस्त्र पुष्प चाहिए। आप चिंता न करें माता जी, दूर दूर तक जहाँ जहाँ भी सरोवरों में कमल के फूल होंगे, मैं वह सब इकट्ठा करके लाता रहूंगा। आप अपनी पूजा आरंभ करें। ये व्रत आप किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए कर रही हैं? हाँ, गुरुदेव ने कहा है इस संयोगकरण नामक व्रत का अनुष्ठान सफलता से संपूर्ण हो जाने पर शीघ्र ही तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। हमारे पिताजी, उनके दर्शन हमें होंगे? हाँ माताजी, आज पहली बार आपने अपनी जीवा से हमारे पिताजी की बात कही है। ये बात हम आपसे कई बार पूछना चाहते थे परंतु नहीं पूछी। मैं तो कई बार अड़ गया था कि आपसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा, परंतु कुछ भैया यह कहकर रोक देते। जब माताजी स्वयं वह बात करने में संकोच करती है तो अवश्य वह बात दुखदायी होगी। दूसरे बालक जब हमसे हमारे पिताजी के बारे में पूछते थे कि वह कौन है, कहाँ है, तो हम उन्हें कुछ उत्तर नहीं दे पाते थे। फिर भी आपसे इसलिए नहीं पूछा कि यदि कोई दुखदायी बात हो तो आपका दिल दुखेगा। माताजी, क्या उसमें कोई दुखदायी बात है? उन्होंने आपको दुख दिया है? नहीं पुत्र, वो तो हमारे पालनहार है, हमारे स्वामी है,
वो क्यों हमें दुख देंगे? फिर क्या बात है? आज जब आपने स्वयं ही बात छेड़ी है तो कृपया बता दीजिए ना कि हमारे पिताजी कौन हैं, कहाँ हैं? उनसे हम आज तक क्यों नहीं मिले? उनसे मिलने के लिए आपको इतनी बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, अर्थात वो कोई देवता है? स्त्री के लिए पति तो देवताओं का भी देवता होता है। देवताओं का भी देवता अर्थात भगवान? हाँ। परंतु माता जी, मैं जानती हूँ तुम दोनों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उन समस्त प्रश्नों का समाधान केवल गुरुदेव ही करेंगे। वो कहते हैं बहुत शीघ्र ही इन सारे बातों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अभी तो मुझे इतने सहस्र कमल पुष्पों को इकट्ठा करने की ही चिंता है। उसकी चिंता आप न करें, उसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मेरी पूजा में किसी भी दिन विघ्न नहीं आना चाहिए। माता जी, प्रतिदिन सूरज निकले अथवा न निकले, परंतु आपको अपने कमल के पुष्प प्रतिदिन निश्चय ही मिलते रहेंगे। यह आपके पुत्र कुश का वचन है। तुम्हारी माता दीर्घ काल से जिस व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं, उसकी समापन पूजा के लिए हमें स्वयं संगम पर जाना होगा। हमारी अनुपस्थिति में आचार्य देवगिरी आश्रम की व्यवस्था संभालेंगे। तुम दोनों परमवीर और तेजस्वी हो, इसलिए आश्रम की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंपते हैं। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, हमारे रहते आश्रम पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। इसका हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिष्य संसार के बड़ी से बड़ी शक्तियों से न डरने वाले हैं न हारने वाले हैं। ये स्मरण रखना, हम सर्वदा तुम्हारे साथ हैं। गुरुदेव, शिष्य तो सर्वदा अपने गुरु के बल पर ही लड़ता है, इसलिए हम अपने गुरु को कैसे भूल सकते हैं? भगवान तुम्हें सर्वदा विजयी करें। कल्याणमस्तु।